गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू ऑल राउंडर बीएसएस यूट्यूब चैनल। मैं बीए सोलंकी एक महत्वपूर्ण वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज एक नया चैप्टर है नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही खास चैप्टर है, क्योंकि इससे दो नंबर के प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, मतलब कि दो प्रश्न पूछे जाते हैं और वो दो प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस चैप्टर को देखते हैं। इस चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन। तो देखिएगा, ये चैप्टर उतना महत्वपूर्ण है जितना कि आपके लिए इससे पिछले वाले चैप्टर थे, जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, उतना का उतना ये भी चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर को कहते हैं अनुपात एवं समानुपात। तो इस वीडियो में हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके लिए इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो कि पूछे गए थे, पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो रेशियो है ये क्या होता है। रेशियो, तो देखिएगा, कोई भी दो क्वांटिटी जो कि सेम है, कुछ ना कुछ उनके बीच में रिलेशनशिप है, दो क्वांटिटीज है, मान लीजिए राशियां, जिसको हिंदी में कहते हैं राशियां, क्वांटिटीज, उनके बीच में रिलेशनशिप, क्या कहते हैं, रिलेशनशिप, मतलब कि संबंध स्थापित करना या फिर संबंध को दिखाने वाले को रेशियो कहते हैं। ये रेशियो होता है। तो अब मैं आपको बताऊं, रेशियो और फ्रैक्शन, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। रेशियो अनुपात, फ्रैक्शन भिन्न। तो देखिएगा, जो रेशियो है उसको आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो और जो फ्रैक्शन है उसको आप रेशियो में भी लिख सकते हो, दोनों का काम एक ही है। मतलब कि जो रेशियो होता है उसका जो सिंबल होता है, जो साइन होता है, वो होता है इस प्रकार से, एक बिंदु ऊपर होता है और दूसरा बिंदु उसके जस्ट नीचे होता है, जैसे कि ए रेशियो बी। तो आप इस ए रेशियो बी को ए मट्टा बी भी लिख सकते हो। तो ये जो ए रेशियो बी है ये तो क्या है, एक रेशियो है, लेकिन ए मट्टा बी क्या है, एक फ्रैक्शन है, लेकिन दोनों का मतलब, दोनों का रिजल्ट एक ही है। ओके, तो इसी प्रकार से आप जान गए होंगे व्हाट इज रेशियो, जो अनुपात होता है वो क्या होता है। जो रेशियो होता है वो दो क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशनशिप शो करता है। जैसे कि मान लीजिए फोर बॉयज एंड सिक्स गर्ल्स, तो ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के दोनों क्या है, एक ही स्कूल में है, दोनों का काम क्या है, स्टडी। तो ये बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में एक रिलेशनशिप शो कर रहा है कि एक स्कूल में चार बॉयज हैं और छह गर्ल्स हैं। तो ये एक रिलेशनशिप शो कर रहा है कि भाई कितने बॉयज ज्यादा हैं, कितने गर्ल्स ज्यादा हैं, एक दूसरे के बीच में ये क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, कंपैरिजन, है ना, उसको कहते हैं रेशियो। ओके, तो आज की इस वीडियो हम ये जानते हैं कि रेशियो कितने प्रकार के होते हैं, किस रेशियो को क्या कहा जाता है, रेशियो के सॉल्यूशंस किस प्रकार से निकाले जाते हैं, ये जानेंगे। तो आइए, तो देखिएगा, सबसे पहला रेशियो होता है सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो, जैसे कि ए रेशियो बी, ये क्या है, सिंपल रेशियो है, जिसको हिंदी में कहते हैं सरल अनुपात। क्या कहते हैं, सरल अनुपात। ओके, तो सिंपल रेशियो क्या होता है, जो साधारण सा एक जो रेशियो होता है उसको सिंपल रेशियो कहा जाता है। जैसे कि ए रेशियो बी है, फाइव रेशियो फोर है, सिक्स रेशियो नाइन है, कुछ भी कहो, ये सब क्या है, सिंपल रेशियो है, साधारण रेशियो है। दूसरा जो हमारे पास है वो है हमारा कंपाउंड रेशियो। क्या है, कंपाउंड रेशियो, जिसको हिंदी में कहा जाता है मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात, या फिर
जटिल अनुपात, जटिल अनुपात, ये दो इसके नाम होते हैं हिंदी में, जिसको कहा जाता है कंपाउंड रेशियो, मतलब कि एक साथ में बहुत से रेशियो हो, एक साथ में बहुत से रेशियो हो, जैसे कि ए रेशियो बी, सी रेशियो डी, सॉरी सी रेशियो डी, ई रेशियो एफ। तो अब अगर इनका हमें कंपाउंड रेशियो निकालना है तो कंपाउंड रेशियो क्या होगा, ए को सी से मल्टीप्लाई कीजिए और ई से मल्टीप्लाई कीजिए, बी को डी से कीजिए और एफ से कीजिए, तो क्या होगा ए सी ई रेशियो बी डी एफ। तो ये क्या है, एक कंपाउंड रेशियो है, यह एक मिश्र जो अनुपात है वो है। तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना, जो कंपाउंड जो रेशियो होता है, जो कंपाउंड रेशियो होता है वो क्या कहता है। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि वन रेशियो टू, फोर रेशियो नाइन एंड फाइव रेशियो सेवन का कंपाउंड रेशियो निकालिए, का मिश्र जो अनुपात है वो निकालिए, तो क्या होगा वन मल्टीप्लाइड बाई फोर मल्टीप्लाइड बाई फाइव रेशियो टू मल्टीप्लाइड बाई नाइन मल्टीप्लाइड बाई सेवन, मतलब कि पांच चौक बीस रेशियो नौ दून अठारह और इसको सात से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर ये हो गया चौदह इंटू नौ हो गया आपके 140 में से 14 को माइनस कीजिए तो 20 माइनस होते 120 और 6 जोड़ दीजिए 126, ये आ गया 20:126। तो ये इसका क्या है, कंपाउंड रेशियो है। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया यहां पर कि जो रेशियो होता है, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा, जगह खाली ठीक है, ए रेशियो बी मैंने लिखा, तो इनके भी नाम है, ये इस रेशियो का है पार्ट ए और ये है इसका पार्ट बी, मतलब कुछ भी मान लो आप। तो ये जो पहले वाला होता है, ये जो पहले वाला होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपके इसको कहते हैं प्रथम पद, प्रथम पद, जिसको कहते हैं एंटीडिसेंट, एंटीडिसेंट। ध्यान रखना, ये जो पहले वाला होता है ए, मतलब कि ए रेशियो बी, फाइव रेशियो फोर, तो इसमें जो फाइव है या फिर जो ए है, इसको कहा जाता है एंटीडिसेंट, एंटीडिसेंट, मतलब कि एक बार लिख दीजिए आप इसको, है ना, ए एन टी ई डी ई सी ई एन टी, एंटीडिसेंट, प्रथम पद, इसको कहा जाता है प्रथम पद। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि इन नाइन रेशियो फोर विच वन इज एंटीडिसेंट, एंटीडिसेंट कौन सा है, नाइन, जो पहले वाला होता है, जो पहले वाला होता है उसको कहा जाता है प्रथम पद या फिर उसको कहा जाता है एंटीडिसेंट। याद रखिएगा एंटीडिसेंट, एंटीडिसेंट। और जो बाद वाला होता है यानी कि जो बी वाला, इसको कहा जाता है कॉन्सिक्वेंट, क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कॉन्सिक्वेंट, मतलब कि द्वितीय पद। ए रेशियो बी में ए को कहा जाता है एंटीडिसेंट, एंटीडिसेंट, जिसको कहा जाता है प्रथम पद, और बी को कहा जाता है कॉन्सिक्वेंट, जिसको कहा जाता है द्वितीय पद। तो देखिए बच्चों, प्रश्न सीधा और साधारण सा पूछा जाएगा कि नाइन रेशियो सिक्स में एंटीडिसेंट कौन सा है या फिर कॉन्सिक्वेंट कौन सा है, प्रथम पद कौन सा है या द्वितीय पद कौन सा है, ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन चीज के बारे में ध्यान रखना, आपको कोई नहीं बताएगा, चाहे किसी भी YouTube चैनल पर जाइए, किसी भी कोचिंग में जाइए, ये छोटी छोटी चीजें वो लोग भूल जाते हैं एंड आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में 1.25 ऐसे करते करते बहुत से प्रश्न गलत हो जाते हैं। ओके, तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना, ये जो होता है स्टार्टिंग वाला, इसको कहा जाता है और इसको ये कहा जाता है, बस ये दो नाम याद रख लेना बस, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो रेशियो होते हैं वो सबसे पहला मैंने आपको बताया सिंपल रेशियो, जिसको कहा जाता है साधारण, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, सिंपल सा होता है ए रेशियो भी। तो ये हो गया आपका सिंपल रेशियो। दूसरा मैंने आपको बताया कंपाउंड रेशियो,
कंपाउंड रेशियो, जिसको कहा जाता है मिश्र अनुपात, या फिर इसको कहा जाता है जटिल अनुपात. ओके, तो ये क्या होता है, जैसे कि आपके सामने कुछ लिखा है 2:4:6. ओके, समानुपात, या फिर सॉरी ये हो गया, यहां पर ये होगा 2:4:6:9 एंड 5:7. मान लीजिए इस प्रकार से कुछ रेशियो दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसका कंपाउंड रेशियो क्या होगा, तो इसका जो होगा रेशियो वो होगा 2 और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब कि जो 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 एंटीडिसेंट है, एंटीडिसेंट उन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, रेशियो में आइए आपके कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट बस ये होगा. जितने भी एंटीडिसेंट है उनको मल्टीप्लाई कीजिए और जितने भी कॉन्सिक्वेंट है उनको मल्टीप्लाई कीजिए और उनके बीच में रेशियो डाल दीजिए. तो 2:4 में कौन है 2, यहां पर 6 और यहां पर 5, तो 2 × 6 × 5 रेशियो में क्या आएगा 4 × 9 = 7, 4 × 9 × 7 तो क्या आएगा 6 × 12 = 12, 5 = 60, 60 रेशियो आपका आ गया, 9 × 36 × 7 क्या होगा 7 × 42 = 7, 21 × 4 = 25, 252. That's all right. Okay, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इसका कंपाउंड रेशियो बताओ. ओके, तो आपको ध्यान रखना है, या फिर पूछा जाएगा कि ये जो रेशियो है ये कौन सा रेशियो है, ये कौन सा रेशियो है, तो आपको वहां पर बताना है कि ये कंपाउंड रेशियो है. अब जो हमारा तीसरा रेशियो है वो जानते हैं हम, जिसको हिंदी में कहा जाएगा विलोमानुपात. चलो तीसरा रेशियो, रेसिप्रोकल रेशियो, जो आपके आता है रेसिप्रोकल रेशियो, विलोमानुपात है ना, विलोमानुपात रेशियो, विलोमानुपात, विलोमानुपात जो रेशियो है ये होता है, तो इसको कहा जाता है रेसिप्रोकल रेशियो. अब देखिए ये रेसिप्रोकल नाम आपने बहुत बार सुना होगा, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, उल्टा मतलब कि मैं अगर यहां पर नाम लिखूं ए रेशियो बी, इसका रेसिप्रोकल रेशियो क्या होगा बी रेशियो ए, मतलब कि उल्टा हो जाना. जो एंटीडिसेंट दिया गया है, एंटीडिसेंट उसको आप कॉन्सिक्वेंट में बदल दीजिए, उसको आप कॉन्सिक्वेंट में चेंज कीजिए और जो कॉन्सिक्वेंट आपको दिया हुआ है उसको आप एंटीडिसेंट में बदल दीजिए, मतलब कि जो प्रथम पद है उसको द्वितीय पद में, जो द्वितीय पद है उसको प्रथम पद में बदल दीजिए, इसी को कहते हैं रेसिप्रोकल. जैसे कि 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2/1, 4/7 का रेसिप्रोकल 7/4, मतलब कि उल्टा हो रहा है. इसी प्रकार से ए रेशियो बी का रेसिप्रोकल होगा बी रेशियो ए, यानी कि उल्टा हो जाना. तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधा और सिंपल साधारण सा प्रश्न पूछा जाएगा, व्हाट इज द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 6:7, तो सीधा सा आंसर होगा 7:6. दैट्स ऑल राइट. ओके, चलिए नेक्स्ट जो हमारा है, सिंपल रेशियो हो गया, रेसिप्रोकल रेशियो हो गया, और हां ये जो रेसिप्रोकल रेशियो है इसका एक और भी नाम है बच्चों, याद रखना इसका एक और नाम है इनवर्स रेशियो, इनवर्स, इनवर्स रेशियो. तो क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द इनवर्स रेशियो ऑफ ए रेशियो बी, तो नाम हो सकते हैं चेंजेस लेकिन काम वही है. यहां पर रेसिप्रोकल या ये और या विलोमानुपात नाम है अलग अलग, मैं मानता हूं, लेकिन इनका काम एक ही है, संख्या को उल्टा. ओके, चलिए ये तो हो गया आपके, अब और आगे बढ़ते हैं चौथे रेशियो की ओर. और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिएगा. चौथा रेशियो है डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, या इसको स्क्वायर रेशियो भी कह सकते हो, स्क्वायर रेशियो.
तो अब यहां पर देखिएगा ये जो डुप्लीकेट रेशियो है या फिर जो स्क्वायर रेशियो है इसको वर्गानुपात भी कहते हैं, वर्गानुपात भी कहते हैं या फिर इसको द्विघात, द्विघातीय, द्विघात अनुपात भी कहते हैं। ओके, तो बच्चे ध्यान रखना, डुप्लीकेट रेशियो या स्क्वायर रेशियो, वर्गानुपात या फिर द्विघातीय, ये सब नाम भले अलग अलग हैं लेकिन इनका काम एक है, तो बस कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एक एक चीज को लिख दीजिएगा, डुप्लीकेट रेशियो, स्क्वायर रेशियो, वर्गानुपात, द्विघातीय, सबके सब एक है। अब ये क्या होता है ये जान लीजिए, ये होता है जैसे कि ए रेशियो बी, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, व्हाट विल बी द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी, ए रेशियो बी का वर्गानुपात क्या होगा। सिंपल सा है, आपको इनको स्क्वायर लिख देना है, मतलब कि ए रेशियो बी का डुप्लीकेट रेशियो होगा ए रेशियो, सॉरी इसका होगा ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर, बस यही इसका डुप्लीकेट रेशियो है। अब मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, यहां पर यह भी पूछा जाएगा, तो बच्चे मोस्टली क्या करते हैं कि सर यही होगा, लेकिन नहीं, ये नहीं होगा, हमें फिर से इसका स्क्वायर यहां पर होगा, क्योंकि अब इस पूरे को मानना है ए, तो क्या होगा ए स्क्वायर का रेशियो और बी स्क्वायर का रेशियो। ओके, ये होगा, तो कुल मिलाकर क्या होगा, ए की घात चार और बी की घात चार, ये होगा हमारा उत्तर। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट विल बी द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ फोर रेशियो नाइन, तो इसका क्या होगा, फोर स्क्वायर रेशियो नाइन स्क्वायर, मतलब कि चार चौक सोलह रेशियो नवे नवे इक्यासी, दैट्स ऑल राइट नाउ। ओके, तो गलती नहीं की जाएगी बच्चों से, मैं जानता हूं। तो ए की घात चार बी की घात चार, ये किसका डुप्लीकेट रेशियो है, इसका। तो क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है कि 16:81 इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ विच रेशियो, यह किस रेशियो का डुप्लीकेट रेशियो है, तो वहां पर क्या होगा, आपको 16 का स्क्वायर और 81 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो 4:9, तो 16:81 जो है ये 4:9 का डुप्लीकेट रेशियो है। ओके, चलिए और आगे बढ़ेंगे, पांचवा थोड़ा सा जुकाम हो रखा है मेरे को, चलिए पांचवा जो है वो है ट्रिप्लीकेट रेशियो, जिसको कहते हैं क्यूबिक रेशियो, घनानुपात। ओके, या फिर इसका एक और भी नाम है, ओके, या फिर इसका एक और भी नाम होता है, एक बार बच्चे हिंदी वाला चेक कीजिएगा इसको शायद एक और नाम आप चेक कर देना, और या फिर इसको कहते हैं तीन घातीय अनुपात, है ना। तो देखिए अब नाम कुछ भी हो सकते हैं, मैं ये नाम आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्रश्न में कुछ भी मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको यही मिले या फिर यही मिले, कुछ भी मिल सकता है, इसलिए नाम आप सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। तो ये क्या होता है अब ये जान लीजिए, जैसे कि मेरे को पूछा गया ए रेशियो बी का क्यूबिक रेशियो क्या होगा, या फिर ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, घनानुपात क्या होगा, तीन घातीय क्या होगा, इस प्रकार से कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है, काम सबका एक ही है, क्या होगा, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब, बस यानी कि उसका क्यूब निकालना है, घन निकालना है, नाम से ही मालूम पड़ रहा है। ठीक है, तो ए रेशियो बी का क्यूबिक रेशियो होगा ए क्यूब रेशियो बी क्यूब। ओके, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है 3:4 का क्यूबिक रेशियो क्या होगा, तो क्यूबिक रेशियो क्या होगा, 3:4, 3×9=27, 4×16=64, दैट्स ऑल राइट। क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जाएगा कि 27:64 का जो है ये किसका क्यूबिक रेशियो है, ऑफ विच नंबर, ऑफ विच रेशियो इज दिस क्यूबिक रेशियो,
तो किसका होगा आपको 27 का क्यूब रूट रेशियो 64 का क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, तो फिर से आएगा 3:4। ओके, तो क्वेश्चन को घुमाया भी जा सकता है। आइए और आगे बढ़ेंगे, छठा जो हमारा है आज का, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। छठा क्या है, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो। ओके, सब डुप्लीकेट रेशियो, या फिर इसको कहा जाता है स्क्वायर रूट रेशियो, स्क्वायर रूट रेशियो, इसको स्क्वायर रूट रेशियो भी कह सकते हैं, इसको सब डुप्लीकेट रेशियो भी कह सकते हैं, और इसको वर्गमूलानुपात, हां वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात भी कह सकते हैं, वर्गमूलानुपात भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए ये क्या होता है, सब डुप्लीकेट स्क्वायर रूट, अब देखिए यहां पर स्क्वायर रूट है, तो ए रेशियो बी का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, वर्गमूलानुपात क्या होगा, तो सिंपल सा फंडा है अंडर रूट ऑफ ए रेशियो अंडर रूट ऑफ बी, यही इसका क्या है, सब डुप्लीकेट रेशियो है। ओके, जैसे कि ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, ए रेशियो बी, क्यों होगा, क्योंकि ए स्क्वायर का अंडर रूट और बी स्क्वायर का अंडर रूट ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, ए रेशियो बी, दैट्स ऑल राइट नाउ, है ना। चलिए एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एक नेक्स्ट जो रेशियो बचता है सातवां रेशियो, वो क्या कहता है फिर, और आगे बढ़ेंगे सातवां, सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, यानी कि क्यूब रूट रेशियो, या फिर घनानुपात, सॉरी ये तो हो गया घनमूलानुपात, है ना, घन मूलानुपात, मूलानुपात रेशियो, घन मूलानुपात क्या होता है, तो बताइए ए रेशियो बी का घन मूलानुपात या फिर सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, नाम से ही पता चल गया होगा बच्चों को, ए का क्यूब रूट रेशियो बी का क्यूब रूट, मतलब कि इनका क्यूब रूट निकालना है, बस सिंपल सा फंडा था। ओके, तो ये हो गया आपका सब ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, डुप्लीकेट, सिंपल इनवर्स कंपाउंड हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से ऐसा कौन सा प्रश्न है जो पूछा जा सकता है, वैसे तो प्रश्न मैंने हर एक के आपको बताया है कि क्या क्या पूछा जा सकता है ना। जैसे कि एक प्रश्न है, इन अ सिटी मेल एंड फीमेल आर इन द रेशियो ऑफ 12:13, फाइंड द नंबर ऑफ वुमेन इन टोटल पॉपुलेशन, यानी कि कोई शहर है उसमें महिलाओं और पुरुषों का जो रेशियो है, यानी कि मेल रेशियो फीमेल, ये दिया गया है 12:13, तो पूछा गया है कि उसमें वुमेन की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसका कितना परसेंटेज है। बस आपको देखिए सिंपल सा दिया गया है, देखिएगा, अब आप पूछोगे सर इससे कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए क्वेश्चन सिर्फ यही है कि इन अ सिटी द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल दिया गया है, द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल इज 12:13, सो फाइंड द परसेंटेज ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन द सिटी, यानी कि किसी शहर में महिलाओं और पुरुषों का जनसंख्या का जो अनुपात है वो 12:13 है, तो बताओ महिलाओं की जनसंख्या कितना प्रतिशत है वहां पर, ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखिएगा यहां पर हमें एक फैक्टर यूज किया जाएगा, आपके द्वारा एक फैक्टर यूज किया जाएगा, वो फैक्टर होगा एक्स फैक्टर, ये क्या होगा, आपको वहां पर एक्स मानना पड़ेगा, कैसे कि देखिए कुल मिलाकर, क्योंकि क्या कहा गया है कि उस शहर में मेल और फीमेल का रेशियो इतना है, तो अगर हम मेल और फीमेल दोनों को जोड़ दें तो हमें 100% मिल जाएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं 12x प्लस
13x इज इक्वल टू 100%। भाई अगर हम मेल और फीमेल दोनों को जोड़ दें तो हमें 100% मिल जाएगा। ओके तो मेल है हमारा एक्स, अब इसको हमने एक्स से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये 12 और ये जो है ये दोनों रेशियो में है, ये दोनों के दोनों रेशियो में है। तो रेशियो को एक सिंपल नंबर में कन्वर्ट उस समय किया जाएगा जब उसके साथ किसी फैक्टर को मल्टीप्लाई किया जाएगा। ओके किसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया 25x इज इक्वल टू 100%। तो x क्या क्या आ गया मान, पट्टा 25 आ गया, सॉरी परसेंटेज है ना, 25 आ गया, ये आ गया परसेंटेज में। तो x इज इक्वल टू 4%, x का मान आ गया 4%। अब जो वुमेन है वो है कुल मिलाकर 13%, सॉरी हाँ x, ओके। तो अब यहां पर जो x है इसकी जगह 4% आप डाल दीजिए, तो 13 × 4% इज इक्वल टू क्या आएगा, 53 का 52%, 52%। That's all right now. Okay, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये जो है चैप्टर इसके बारे में बहुत से प्रश्न भी आपको बताऊंगा, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रपोर्शन। क्या होगा, प्रपोर्शन, ये क्या होता है, समानुपात, समानुपात है ना। तो ये सबसे पहले जान लेंगे ये क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, एंड उसके बाद हम इस चैप्टर से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता देंगे, फिर चैप्टर खत्म। नेक्स्ट उसके बाद वाला जो हमारा चैप्टर होगा वो भी जान लीजिए, वो चैप्टर होगा यूनिटरी मेथड, वो चैप्टर होगा हमारा यूनिटरी मेथड, जिसको कहते हैं एक-एक नियम, एक-एक नियम। ओके तो ये हमारा चैप्टर होगा, मिलेंगे आपसे हमारी ऐसी किसी नेक्स्ट खास वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।